हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप सभी के ऊपर और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रही होगी। दोस्तों, आज हम पटवारी की जो क्विज चल रही है उसकी पार्ट नंबर 8 लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से लेके आया हूँ आपके सामने। पहले की वीडियो आपने देखी, अच्छे से उन्हें लगाई, उम्मीद किया आपने, प्रैक्टिस की होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके उन्हें पक्का कर लिया होगा। और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है वीडियो से हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो बातें कम और हमेशा की तरह काम ज़्यादा, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी जो है वो क्या होता है। ये लिखा हुआ साथ के साथ में कि ये सीजी व्यापम में आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये भी आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो डॉक्यूमेंट का जो हार्ड कॉपी है वो क्या होता है। वो प्रिंटर के द्वारा छापा हुआ एक प्रिंट आउट होता है जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन लोग इसे भी गलत करके आते हैं। जब भी हम प्रिंटर से कुछ छापते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कितने प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जी हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर, एक तो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर में कई बार आता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट के भी टाइप होते हैं और नॉन इम्पैक्ट के भी टाइप होते हैं। तो वो हम अपने थ्योरी वाली वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ फंडामेंटल में देख सकते हैं कि कितने प्रिंटर हैं और कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश को इंकलेस प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक नहीं होती, वो इंकलेस प्रिंटर माना जाता है। तो इंकजेट को हम इंकजेट प्रिंटर जो होता है, इंकजेट प्रिंटर वो कलर प्रिंटर ही होता है, इसमें इंक होती है। ओसीआर कोई प्रिंटर नहीं है। थर्मल प्रिंटर, जी हाँ, थर्मल प्रिंटर है, इसमें इंक नहीं होती, इसके अंदर वैक्सी मटेरियल होता है जो कि मेल्ट होकर के पिघल करके एक सेंसिटिव कागज़ के ऊपर छपता है। थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है वो मैं आपको, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो एटीएम मशीन पे आप जो पर्ची निकलती है या पेट्रोल पंप पे जाके जो आप पर्ची बिल मांगते हैं चिकने से कागज़ पे जो निकलता है, वो जिस प्रिंटर से प्रिंट होता है उस प्रिंटर को हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। या आजकल बस वगैरह में बस टिकट देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कि प्रेशर के साथ, दबाव के साथ और रिबन के साथ प्रिंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो डॉट मैट्रिक, जो कि आप वहाँ जाते हैं टिकट घर पर जाते हैं, तो वहाँ जो आप टिकट लेते हैं वो टिकट आप देखते होंगे जब प्रिंट होता है तो उस पर डॉट 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 बहुत सारी बिंदी होती हैं। तो उसमें क्या है कि आपके जो प्रिंटर हेड लगा होता है उस हेड में से जो पिन होती हैं वो पिन बाहर निकलती हैं, पिन है ये बाहर निकलेगी और इस कागज़ के ऊपर एक डॉट बनाएगी, फिर दूसरा डॉट बनाएगी, तीसरा डॉट बनाएगी, इस प्रकार से बहुत सारे डॉट मिलकर के करेक्टर बनाते हैं। तो इसमें ये प्रेशर डाला जाता है, प्रिंटर हेड के माध्यम से प्रेशर डाला जाता है और प्रेशर डाल करके प्रिंटिंग की जाती है। तो ऐसा कोई भी प्रिंटर हो जिसमें प्रेशर डाल करके रिबन की हेल्प से, प्रिंटर हेड की हेल्प से प्रिंटिंग की जाती है, उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए इंकजेट प्रिंटर, इसमें स्याही से प्रिंटिंग होती है, इसमें कोई हेड नहीं होता, है ना। बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये टोनर के लिए हैं, बबल जेट कोई प्रिंटर नहीं होता। और ये आपका डेजिबल प्रिंटर जो होता है, डेजिबल प्रिंटर के अंदर एक व्हील होता है, पहिया होता है जिसमें तान होती हैं और तान के ऊपर यहाँ अक्षर बने होते हैं इस जगह पे, और ये अक्षर टकराते हैं कागज़ पे और कागज़ के ऊपर टकराने से प्रिंटिंग करते हैं, दबाव डाल के प्रिंटिंग करते हैं। तो ये आपका डेजिबल प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर किसका एक प्रकार है। तो लेज़र प्रिंटर जो होता है दोस्तों, वो उसमें कोई हेड नहीं होता, उसमें टोनर होता है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। एक लेज़र प्रिंटर जो है
उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से गलत। तो एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है, पहला पॉइंट है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लेजर प्रिंटर जो होते हैं सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो महंगे होंगे तो क्वालिटी भी अच्छी प्रिंट करेंगे। तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी प्रदान करेंगे, पहला पॉइंट बिल्कुल सही होगा। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीले होते हैं, दूसरा पॉइंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हालांकि खर्चा तो कम ही करते हैं लेकिन ये महंगे बहुत आते हैं, तो इसलिए कम खर्चीले नहीं कह सकते अपन। तो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीले होते हैं जी नहीं, महंगे होते हैं, दूसरा पॉइंट गलत है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीले होते हैं, जी हाँ, सबसे सस्ते प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक, और बाकी सारे प्रिंटर से महंगे होते हैं, तो ये प्रिंटर डॉट मैट्रिक से महंगा होता है, ये सही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। तो सबसे सस्ता और सबसे लो क्वालिटी की प्रिंटिंग जो देता है वो देता है आपका डॉट मैट्रिक, और सारे के सब प्रिंटर उससे अच्छे होते हैं, तो ये प्रिंटर डॉट मैट्रिक से अच्छी क्वालिटी देता है। यानी कि आपका पहला और तीसरा और चौथा पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, ये जो आंसर इसका होगा, पहला तीसरा चौथा किसमें दिया है, पहला तीसरा चौथा ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, स्याही जेंट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? वो प्रिंटर जो कि स्याही से बने होते हैं, जिसके अंदर या फिर जिसके अंदर कोई बैंड लगा होता है, जैसे कि चैन प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर में दोनों तरफ चक्का लगा होता है और ये एक तरफ आपके ये बेल्ट लगी होती है, इसके ऊपर चढ़ी होती है बेल्ट, ठीक है, और ये बेल्ट जो होती है इससे चलती है, तो इस बेल्ट से कागज पर प्रिंटिंग होती है, तो इसको हम लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, है ना, इन्हें हम लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला प्रिंटर है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति कितनी होती है? तो बड़ा लेजर प्रिंटर जो होता है उसकी प्रिंटिंग होती है 200 200 से तकरीबन 250 पेज होते हैं। मैंने बड़े ज़्यादा पेज ज़्यादा प्रिंट करने वाले पेज मैंने प्रिंटर देखे हुए हैं, तो बड़े लेजर जो होता है वो 200 पेज नॉर्मली प्रिंटिंग कर सकता है, 200 पेज को पर सेकंड में प्रिंट कर सकता है, पीपीएस पर मिनट में प्रिंट कर सकता है, पीपीएम में। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं? दोस्तों निम्न में से किसको छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस हैं? तो एक आउटपुट डिवाइस होगी, बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं। तो आप जानते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो लेजर प्रिंटर दोस्तों जो है वो आपका लेजर प्रिंटर जो होता है वो किससे संबंधित है? हम लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहते हैं क्योंकि ये एक बार में पूरा पेज छापता है, इसलिए ये पेज प्रिंटर माना जाता है। वे प्रिंटर जो एक बार में लाइन छापते हैं उन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं, और जो पेज छापते हैं उनको हम पेज प्रिंटर कहते हैं। और लेजर प्रिंटर एक बार में पूरा पूरा पेज प्रिंट करता है रोलर के माध्यम से और आपके पास प्रिंटिंग करता है। एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि लेयर प्रिंटर जो प्रिंट करता है वो कितने स्टेप में प्रिंटिंग करता है, पेपर में आता है कई बार, तो लेयर प्रिंटर 5 स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में प्रिंटिंग करता है दोस्तों, याद रखना, ये पेपर में कई बार आया है कि लेयर प्रिंटर कितने स्टेप्स में प्रिंटिंग करता है, तो लेयर प्रिंटर 5 स्टेप्स में प्रिंटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? इंकजेट जो होता है उसमें मैन कितने रंग होते हैं? तो मैन रंग होते हैं आरजीबी, मैन रंग होते हैं आरजीबी, यानी कि 3, रेड ग्रीन ब्लू, 3 रंग होते हैं। और किसी किसी में होते हैं सीएमवाईके, यानी कि सियान, मैगेंटा, येलो और ब्लैक। लेकिन ये मेन कलर जो होंगे वो कलर आपके 3 कलर ही होंगे आरजीबी, बाकी के हम सीएमवाई के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किसी प्रिंटर में आजकल आते हैं, और किसी किसी में आजकल 5 रंग भी आते हैं, हल्का ग्रे रंग भी उसमें आता है, तो लेकिन मेन कलर जो होते हैं वो आपके आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू ही होते हैं। गोल्फ बॉल प्रिंटिंग क्या है? गोल्फ बॉल प्रिंटिंग जो होता है दोस्तों, गोल्फ बॉल यानी कि जिसके अंदर बॉल होगी, एक गोल रंग का चक्कर होगा कोई, तो उसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं, इसे हम गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है।
जी हाँ, और पेपर में आता है कि भाई गोल बॉल प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, तो हम बताएंगे वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, यानी कौन स्कैन नहीं करता। तो फ्लैट बेड स्कैनर का एग्जाम्पल है, शीट बेड और हैंड हेल्ड तीनों स्कैनर के एग्जाम्पल हैं, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर का एग्जाम्पल है, यह आउटपुट डिवाइस है और बाकी के तीनों आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है, दोस्तों निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है, उल्टा पूछ लिया गया है। वो प्रिंटर जो पूरा पूरा पेज प्रिंट करता है उसे हम लेजर प्रिंटर यानी कि पेज प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर है लेजर प्रिंटर। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लेना। अभी पहले पूछा गया था कि लेजर प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, वो पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अब पूछा गया है पेज प्रिंटर क्या है, तो वो उसका एग्जाम्पल दिया गया है लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। इम्पैक्ट प्रिंटर वही प्रिंटर जो कि प्रेशर से प्रिंटिंग करता है, तो यहाँ पे आप प्लॉटर जो है वो प्रिंटर है ही नहीं। लेजर और इंकजेट दोनों के दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आपका डॉट मैट्रिक्स जिसमें दबाव डाल करके प्रिंटिंग करता है, मैं बार बार पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप टिकट लेके आते हैं, टिकट के ऊपर डॉट डॉट करके प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग आपकी पेनों के माध्यम से दबाव डाल के प्रिंटिंग की जाती है, इसलिए इसको हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि तीन आउटपुट डिवाइस होंगे और एक इनपुट डिवाइस, सॉरी एक आउटपुट डिवाइस होगा, बाकी तीन इनपुट डिवाइस होंगे, है ना। तो निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बताया गया है। तो आप देखिए, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लॉटर क्या होता है। जिस प्रकार से प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटर से हम लेटर प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से हम कोई बुक प्रिंट करते हैं, वहीं यदि हमें नक्शे प्रिंट करने हैं, चार्ट प्रिंट करने हैं, तो नक्शों के लिए, चार्ट के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लॉटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड और आपका ड्रम प्लॉटर। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे फंडामेंटल की वीडियो में जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा या फिर इसको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके हम और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। जी हाँ, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कि इम्पैक्ट टाइप का मतलब कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो निम्न में से आप देखिए, ड्रम प्रिंटर दबाव डालकर प्रिंटिंग करेगा, बैंड प्रिंटर दबाव डालकर प्रिंटिंग करेगा, चैन प्रिंटर दबाव डालकर प्रिंटिंग करेगा, ये तीनों के तीनों आपके प्रिंटर हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इसलिए कोई नहीं इसका आंसर होगा, तीनों के तीनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। और ये भी आपका व्यापम में आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। तो आउटपुट डिवाइस का समूह बताना है आपको। आप देखेंगे, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, माउस ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा। और ये भी पटवारी में पहले एक बार आ चुका है, 2016 में आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकार किरण का प्रयोग करता है, यानी कि लाइट छोड़ता है, बीम छोड़ता है, लेजर किरण छोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, और स्याही का इस्तेमाल करता है। तो लेजर किरण का इस्तेमाल करेगा ऐसा प्रिंटर जो लेजर किरण का इस्तेमाल करेगा उसको हम लेजर प्रिंटर बोलेंगे। सीधा सा इसका आंसर है, क्या बोलेंगे उसको, हम लेजर प्रिंटर बोलेंगे। जो कि किरण का इस्तेमाल करता है, लेजर का इस्तेमाल करता है, उसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। ऐसा प्रिंटर जो एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है, यानी कि एक करेक्टर को प्रिंट नहीं करता। आप देखिए, थर्मल प्रिंटर से करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, इंकजेट से हम करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, गोल बॉल प्रिंटर से हम करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बैंड प्रिंटर एक चैन होता है,
चैन होती है इसके अंदर, ये एक पहिया लगे होते हैं इसके अंदर पहिए, इस पहिए के ऊपर आपको बैंड चढ़ा होता है दोनों तरफ, जो बैंड चढ़ा है इस पहिए के ऊपर, इस बैंड के माध्यम से, इस पहिए बैंड के माध्यम से पूरी पूरी लाइन प्रिंट होती है, तो इसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं, करेक्टर प्रिंटर नहीं कहते, ठीक है। तो ये आपका बैंड प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर है, कोई बैंड प्रिंटर नहीं है, और ये आपका व्यापम में आ चुका है पहले, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में वही हमेशा की तरह, आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार देना ना भूलिए, हमें लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम और क्या आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा। बेकार लगा है तो आप ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो भी ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।